नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यतेज न्यूज। खबर यूपी के मऊ जनपद से है। विश्व एड्स दिवस पर शारदा नारायण अस्पताल से जन जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें अस्पताल के चिकित्सकों के अलावा स्वास्थ्यकर्मी और नर्सिंग की छात्राएं भी मौजूद रहीं। आप देख रहे हैं मऊ ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर रुपेश सिंह, सीनियर न्यूरोसर्जन शारदा नारायण हॉस्पिटल में हूँ। आज वर्ल्ड एड्स दिवस के मौके पे हम ये जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन एड्स के बारे में, ताकि लोगों को जानकारी दे सकें। दूसरी ये चीज़ कि लोगों में बहुत भेदभाव होता है, जिसको HIV पॉजिटिव या एड्स पेशेंट होते हैं उनके साथ बहुत भेदभाव होता है। हम चाहते हैं कि ये भेदभाव न किया जाए, क्योंकि वो भी मरीज है, इसका इलाज भी संभव है। थोड़ी प्रिकॉशन लेने की जरूरत रहती है। थोड़ा सा ये भी है कि हाँ, हम सब थोड़ा हाई रिस्क में आते हैं, क्योंकि मेडिकल फैटिलिटी हमेशा मरीजों से डील करती है। नीडल इंजेक्ट प्रिक हो जाना, ये सब चीज़ें हो जाना, ये सब चीज़ों में हम थोड़ा अवेयरनेस फैलाने के लिए आज हमारे कार्यक्रम है। तो आज कौन कौन लोग शामिल हैं इस रैली में? इस रैली में हमारी पूरी टीम शामिल है। शारदा नारायण के जितने भाई हमारे स्टाफ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर रिहान है, डॉक्टर सतीश है। किसी कारणवश हमारे जो डायरेक्टर है डॉक्टर संजय सर, वो आज है नहीं, वो भी हमेशा सब चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं।